हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बेबी स्वाडलिंग के बारे में, यानी कि बच्चे को कैसे लपेटना है। 1.5 से 2 मंथ के एज के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको आप लपेट के रखो, उनको स्वाडल करके रखो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी 4 डिफरेंट तरीके जो बहुत यूज़फुल है बच्चे को लपेटने के लिए, और उसके बाद बताऊँगी कुछ यूज़फुल टिप्स बेबी स्वाडलिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप स्वाडलिंग के लिए हमें जो भी हमारा क्लॉथ है स्वाडलिंग का, उसको इस तरह से स्क्वायर शेप बना के रखना है और उसके ऊपर हमें बेबी को फिर इस तरह से लेटाना है। उसके बाद में मैं एक हाथ को स्ट्रेट करके एक साइड को बैक के नीचे इस तरह से फोल्ड करूँगी, देन दूसरा हाथ स्ट्रेट करके बेबी का दूसरी वाली साइड को फर्स्ट साइड पर बैक के नीचे फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। देन नीचे के दो बचे हुए कॉर्नर्स को हम स्ट्रेट करके इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। अभी मेरा बेबी 8 मंथ का हो चुका है, लेकिन जो बच्चे 1.5 से 2 महीने के लिए होते हैं उनको ये फोल्ड पूरा नेक तक आता है ऊपर, और वो अच्छे से स्वाडल हो जाता है। जो नीचे दो कॉर्नर हमने फोल्ड किया उसको आप साइड में लेके लॉन्ग भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। देन जो दूसरा टाइप है उसके लिए मैं स्क्वायर में से एक कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करूँगी थोड़ा नीचे तक, और इसके ऊपर मैं बेबी को इस तरह से सुलाऊंगी कि उसकी जो शोल्डर लाइन है वो ट्रायंगल की जो ऊपर लाइन बनी है स्ट्रेट, उसके पैरेलल में उसके बराबर आ जाए। उसके बाद में बेबी का हाथ स्ट्रेट रख के हमें एक साइड को फोल्ड करना है दूसरी साइड पे, और अच्छे से उसको बैक के नीचे ऊपर से लेके पाँव तक अच्छे से बैक के नीचे फोल्ड करना है। उसके बाद में मैं जो नीचे वाला पाँव का सेक्शन है उसको ऊपर लेके अगेन उसको बैक के नीचे फिक्स कर दूंगी। पाँव को ठीक से स्ट्रेट रखना है बेबी के, और फिर दूसरे हाथ को स्ट्रेट करके राइट साइड को मैं लेफ्ट वाली साइड पे फोल्ड करके अच्छे से लॉक कर दूंगी बैक के नीचे। थोड़ा सा स्ट्रेच करके कपड़े को अच्छे से लॉक करो ताकि स्वाडल जो है लूज नहीं होगा। तो ये है मेरा दूसरा तरीका। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के लिए सेम तरीके का फोल्ड हम रखेंगे, सेम तरीके से हम बेबी को लेटाएंगे। इसमें चेंज ये है कि हम बेबी को पहले पाँव के यहाँ से हम फोल्ड करके नीचे से कपड़ा फोल्ड करेंगे पहले, देन साइड्स में फोल्ड करेंगे। ये कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पाँव की एक्टिविटी रहती है, पाँव बहुत हिलाते रहते हैं, तो तब आप इस तरह से स्वाडल कर सकते हो, पहले पाँव से देन हाथ की साइड पर, और फिर आपको इस तरह से बैक के नीचे कपड़े को लॉक कर देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट तरीका है टाइप 4, उसके लिए मैं सेम तरीके के फोल्ड करूंगी, लेकिन थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल बनाऊंगी ऊपर ताकि हेड के ऊपर थोड़ी जगह बनी रहे, क्योंकि हमें हेड को पूरा कवर करना है कुछ इस तरह से। हेड को फोल्ड करेंगे, देन कान के यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये हेड का जो हमने फोल्ड किया वो खुल ना जाए, तो कान के यहाँ पे ऐसे इस तरह से लॉक करना ज़रूरी है। सेम मैं दूसरी तरीके से भी कान को लॉक कर दूंगी हाथ को स्ट्रेट करके बेबी के। और उसके बाद में उसके पाँव के यहाँ से मैं लूँगी ऊपर वाले साइड पे अंदर टक कर दूँगी। मार्केट में स्वाडलिंग के पिंस भी अवेलेबल रहते हैं लॉक करने के लिए, आप वो भी ला सकते हो। पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किए थे, लेकिन आप ला सकते हो। बाद में आप थोड़ा सा इसे ठीक कर सकते हो, कुछ आपको ऊपर नीचे लगता है तो। ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करता है बच्चों के लिए ये वाला स्वाडलिंग टाइप। तो ये कुछ स्वाडलिंग के टाइप्स। इसके अलावा मार्केट में रेडी टू यूज़ स्वाडलर्स भी अवेलेबल है, आप ज़्यादातर आप लोग यूज़ भी करते होंगे, लेकिन मुझे लगा मैं शेयर कर दूँ ये भी। तो ये है ज़्यादातर यूज़ होता है जब आप बेबी को बाहर लेके जाते हो, आप अच्छे से बेबी को सारे ऊपर से नीचे तक पैक करो कपड़े पहना के अच्छे से, उसके बाद में इस स्वाडल में आपको सिर्फ बेबी को इस तरह से लेटाना है। और यहाँ पे एक स्टिक दिया है, आपको बस ऐसे फोल्ड करके वो स्टिक को लॉक करना है, और कैप के यहाँ पे नॉट दिए, आप उस नॉट से थोड़ा सा कैप टाइटन भी कर सकते हो।
मेरा बेबी रो रहा है, उसको शायद ये वाला स्वैडलर पसंद नहीं आया है, बट ये बाहर के लिए यूज़ के लिए ही जाते हैं। ये है मोस्ट यूज़फुल तरीके स्वैडलिंग के। इसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली टिप है कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो कोशिश करो, कोशिश नहीं मतलब आपको सॉफ्ट कॉटन मटेरियल ही यूज़ करना है, जिससे कि वार्मनेस बनी रहे बच्चों बच्चे के लिए। टेरिकॉट सिंथेटिक जैसे मटेरियल नहीं यूज़ करने हैं, बेबी की स्किन डेलिकेट होती है और दूसरा जो स्वैडलिंग का पर्पज़ है वो अचीव नहीं होगा, तो सॉफ्ट कॉटन मटेरियल ही यूज़ करो। दूसरी टिप मैं बताऊंगी कि जो मैंने फोर्थ तरीका दिखाया आपको स्वैडलिंग का, वो ज़्यादा यूज़फुल है जब आप बच्चे को हेड बाथ दे रहे हो उसके तुरंत बाद, तो आप तब ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उसको। उसके बाद में टिप बताऊंगी, जब बच्चा 1.5-2 महीने का हो जाता है उसके बाद में ये पूरी तरह का स्वैडलिंग काम नहीं आता है, बच्चे की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो हाथ पैर हिलाने लगते हैं, तब आप बच्चों के हाथ बाहर निकाल सकते हो, बाकी तरीका सेम रख सकते हो पहले जो 3 तरीके हैं, और थोड़ा सा लूज उनको स्वैडल करो ताकि उनकी एक्टिविटी भी बनी रहे। ऐसे नहीं कि वो हाथ पाँव हिलाना चाह रहे हो, वो बिल्कुल नहीं हिला पा रहे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है बच्चों पर। तो आप स्वैडल ज़रूर करो, ऑलमोस्ट 3 महीने तक स्वैडल कर सकते हो आप, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें लूजनेस बनाए रखो, उनके हाथ बाहर रखो तो ताकि उनको थोड़ा फ्री लगेगा और एट द सेम टाइम उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो स्वैडलिंग बनाए रखना भी ज़रूरी है। तो ये है मेरी कुछ टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे ममाज वर्ल्ड की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ममाज वर्ल्ड। बाय।